नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चकला और बेलन, जो प्रायः ही हमारे घरों में किचन में उपयोग आने वाली वस्तु है, प्रायः ही हमारे किचन में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, चकला और बेलन को हम माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है। चकला और बेलन को शुद्ध और साफ रखना चाहिए दोस्तों। चकला और बेलन को जूठा नहीं करना चाहिए। चकला और बेलन को अलग अलग नहीं रखना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। चकला और बेलन राहु का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। चकला और बेलन को ज्योतिष और वास्तु से संबंध रखता है। चकला और बेलन सूर्य को मजबूत करता है। चकला और बेलन से धन का मार्ग खुलता है। जो प्रायः ही चकला और बेलन का उपयोग हम रोटियां बनाने में अपने किचन में करते हैं दोस्तों, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। हमारे किचन में माँ लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। अपने किचन को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। चकला और बेलन दोस्तों सुख समृद्धि आता है। चकला और बेलन से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है दोस्तों। किचन की वस्तुओं को सही समय पर खरीदा जाता है दोस्तों। चकला और बेलन को भी सही समय पर ही खरीदा जाता है, या कोई भी किचन की वस्तु हो उसे सही समय पर ही खरीदना उचित माना जाता है। अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि किचन के वस्तुओं के कारण हमें वास्तु दोष लगता है, उसके वस्तु से भी हमें वास्तु दोष लगता है। इस वजह से सही ढंग से किचन के वस्तुओं को रखना चाहिए और किचन के वस्तु को खरीदना चाहिए। चकला और बेलन का अगर आपके पास स्टैंड हो तो चकला और बेलन को स्टैंड पर चकला को खड़ा करके रखना चाहिए और बेलन को पट करके रखना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। चकला और बेलन को आटे के ड्रम पर या बर्तन में या इधर उधर कभी नहीं रखना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दे दोस्तों। चकले को खड़ा करके रखें, मैं फिर बता रहा हूँ, चकले को खड़ा करके रखें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तब भी चकले को खड़ा करके रखें और बेलन को पास में ही पट करके रखना चाहिए दोस्तों। चकला और बेलन का यूज करने के बाद उसकी साफ सफाई करके ही रखनी चाहिए। चकला और बेलन को ऐसे नहीं रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप उस पर रोटियां बनाने जा रहे हैं तो रोटियां बनाने के पहले उस पर थोड़ा सा नमक डाल लें और उसको पोंछ दें, उसके बाद में उस पर रोटियां बनाएं दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों। सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करने पर हमारे घर में धन की हानि होती है। अगर हम अपने चकला और बेलन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे घर में धन की हानि होती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट होती हैं दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दें। घर में दुख का वास होता है, घर में गरीबी आती है दोस्तों। चकला और बेलन को हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, इस्तेमाल करके उसको तुरंत साफ करना चाहिए दोस्तों, इससे घर में रोग आता है। अगर हम अपने चकला और बेलन को इधर उधर रखते हैं या चकला और बेलन को जूठा करते हैं तो हमारे घर में रोग का वास होता है और धन की हानि होती है। चकला और बेलन, अगर हम चकला पर रोटी बना रहे हैं, अगर उससे कट-कट की आवाज़ आ रही है तो दोस्तों, कट-कट की अगर आवाज़ आती है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। उसके नीचे या तो चकला और बेलन को बदल दें या तो उसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा या पेपर लगा दें कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए दोस्तों। चकला और बेलन का उपयोग बड़ी ही स्वच्छता से करना चाहिए। बेलन से किसी को मारना नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान दें दोस्तों। चकला या बेलन से किसी को मारना नहीं चाहिए दोस्तों। अब बात आती है चकला बेलन किस दिन खरीदना चाहिए। स्टील या लोहे का अगर चकला बेलन खरीद रहे हैं तो स्टील या लोहे का चकला बेलन भूल करके भी शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों। पंचांग के अनुसार मंगलवार और शनिवार को लकड़ी का भी चकला बेलन नहीं खरीदना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दें। मंगलवार और शनिवार के दिन लकड़ी का भी चकला बेलन नहीं खरीदें। इसके लिए विशेष रूप से बुधवार का दिन, चकला बेलन खरीदने के लिए बुधवार का दिन
अच्छा माना जाता है, इसलिए आप बुधवार के दिन चकला बेलन खरीद सकते हैं। दोस्तों, चकला बेलन नीला या काला कभी नहीं खरीदना चाहिए, इस दो रंगों का आप विशेष ध्यान दें। चकला बेलन नीला और काला भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, चकला बेलन को कैसे रखें? चकला को खड़ा करके रखना चाहिए और बेलन को पट करके रखना चाहिए। किचन में चूल्हे के दाएं तरफ रखना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान दें आप। चकला और बेलन को कभी भी दाएं तरफ रखना चाहिए, जिस पर आप खाना बनाते हैं किचन में उसके दाएं तरफ रखें। चकला और बेलन कौन सा अच्छा होता है, यह एक प्रश्न उठता है दोस्तों कि चकला और बेलन कौन सा अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला और बेलन धातु के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार स्टील का चकला बेलन अच्छा होता है, लकड़ी का चकला बेलन रोगी को बताया गया है। चकला बेलन रोगी इसलिए बताया गया है कि लकड़ी का चकला बेलन, उसमें फफूदे लग जाते हैं, तेल ज़्यादा सोखते हैं, यही कमियां शास्त्र में बताई गई हैं। इसलिए आप अगर हो सके तो लकड़ी का चकला बेलन न यूज करें। दोस्तों, पिछला रोटी चकला और बेलन पर बनी हुई रोटी, पिछला रोटी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, एक बात और ध्यान दें, आटा गूंथ कर कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए कि अगले टाइम हम इसकी रोटियां बना लेंगे, नहीं बनानी चाहिए, यह शास्त्र के अनुसार निषेध माना गया है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार दक्षिण और पूर्व दिशा में किचन शुभ माना जाता है। अगर आप बना रहे हैं तो दक्षिण और पूर्व दिशा में किचन बनाएं, यह शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।